अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, आज हमें तो बहुत पानी बारिश लगी हुई है, बहुत अच्छा मौसम हो गया है, बहुत सख्त गर्मी की और बारिश की वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया। तो अभी मैं किचन में आई, मैंने कहा आज कोई लाइट सी चीज़ बनानी चाहिए, तो साबुत मूंग की दाल मैंने बॉयल करने के लिए रख दी है। बारिश की वजह से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अभी हल्की हल्की ठंड सी हो गई है। तो ये मैंने दाल बॉयल करने के लिए रख दी है और दूसरे बर्तन में मैंने प्याज जो है वो फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। तो दोनों काम साथ साथ होते रहेंगे, इधर दाल भी बॉयल हो जाएगी और इधर मसाला तैयार हो जाएगा। तो बादल बाहर बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, इस वजह से लाइट का भी थोड़ा है मसला बना हुआ है और लाइट भी थोड़ी कम हो रही है, चलें काम चल रहा है। तो अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से स्टार्ट करती हूँ। अभी मैंने प्याज को लाइट से ब्राउन करना है। इसके साथ मैंने ग्रीन चिली वो डाल दी थी ताकि ये भी फ्राई हो जाए और इसका टेस्ट जो है वो प्याज में शामिल हो जाए। तो प्याज अब ब्राउन हो गए, इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के और धनिया ये शामिल कर दिए। साथ में मैंने सुर्ख मिर्च डाली है, नमक डाला है और हल्दी डाल दी है। थोड़ा सा प्याज ये पानी का छींटा लगाया है और अब इसमें मैं टमाटर शामिल कर दूंगी। इनको थोड़ी देर कवर करके रखूंगी ताकि ये टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। तो मसाला रेडी हो जाएगा तो इसमें मैं बॉयल दाल जो है वो शामिल कर लूंगी, लेकिन अभी मैंने बॉयल दाल जो है वो रखी हुई थी और उसको मैंने उतार के तो अलग से बर्तन में धो लिया। उसका साबुत है तो उसके छिलके बहुत ज़्यादा उतर रहे थे ना, तो वो सारी मैंने उसको धो के तो छिलके अलग कर लिए हैं। तो अब इस मसाले में मैं डाल रही हूँ दाल को। फ्रेश दाल है बिल्कुल, अभी अभी ये उतरी है तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल फ्रेश है माशाल्लाह। अल्लाह पाक की इतनी ज़्यादा नेमतें हमारे पास हैं कि हम लोग शुमार नहीं कर सकते। और अल्लाह पाक सूरह रहमान में फरमाते हैं कि और तुम अपने रब की किन किन नेमतों का शुक्र अदा करोगे। वाकई हम लोग बहुत नाशुक्रे हैं, हम लोग हर वक्त अल्लाह पाक से गिले शिकवे करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उसकी नेमतें हम पे बेहिसाब हैं। तो ये मेरी दाल रेडी हो गई है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, थोड़ी देर इसको मैंने पकाया है और अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको इसी कढ़ाई में फ्राई कर लूँगी ताकि इसके अंदर से घी वगैरह अच्छी तरह से निकल आए।
आप लोग भी मेरी तरह ट्राई करिएगा और आप देखिएगा कि आपको बहुत पसंद आएगी दाल। तो अब लास्ट में मैं इसमें सब्ज़ मिर्च डाल के ऊपर कसूरी मेथी डाल के इसको 10 मिनट के लिए दम लगा के रख दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दाल हमारी रेडी हो गई है माशाल्लाह से। तो इसको भी मैं थोड़ा डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, साथ में मैंने एग बॉईल करके वो इसके साथ डाला है। एग से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और साथ में प्याज, टमाटर और लेमन जो है वो भी कट करके रख लिए हैं। और आज मेरे पास लस्सी नहीं थी, वरना लस्सी से तो इसका मज़ा और ही दुबाला हो जाता। तो बारिश की वजह से ठंड भी हो रही थी, इस वजह से मैंने लस्सी साथ नहीं बनाई है। ये देखिए, ये काफ़ी फूल के बड़ी हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ये ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपकी दाल भी ऐसी बनी है कि नहीं। और ये भी ज़रूर बताया करेंगे आपको देखने में कैसी लग रही है, और मेरी हौसला अफज़ाई किया करें ताकि मैं और अच्छी अच्छी डिशेस आपके सामने लेकर आऊँ। ओके जी, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल देखा करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।